आज देश आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत को सलाम कर रहा है। आज ही के दिन 1931 में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने लाहौर की जेल में हंसते हुए फांसी के फंदे को गले लगा लिया था। आजादी की लड़ाई में क्रांति की मशाल जलाने वाली इस घटना को देश शहीदी दिवस के तौर पर मनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर तीनों शहीदों की शहादत को सलाम किया है, नमन किया है और लिखा है कि देश भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साहस बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। शहादत के वक्त शहीद भगत सिंह की उम्र महज 23 वर्ष थी। शहीद भगत सिंह को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई थी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू और सुरेश प्रभु ने भी तीनों शहीदों को श्रद्धांजलि दी।